जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आए आज एक बड़े ही रोचक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बहुत सुंदर विषय, प्राय जो है लोग बाग विवाह के लिए परेशान रहते हैं, किंतु जो है यदि पत्नी शालीन मिल जाए, सौम्य स्वभाव की मिल जाए, अच्छे स्वभाव वाली हो, अच्छे गुणों वाली हो, घर गृहस्थी को चला करके बना करके सबके साथ सामंजस्य बना करके चलने वाली हो, तो गृहस्थ रूपी जो है नौका हमारी सुचारू रूप से चलती रहती है। उसमें जो है कोई बाधा नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। अतः मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी जो है आप वर वधु की कुंडली मिलाएं, वर वधु की कुंडली के ऊपर विचार करें, तो उस समय केवल अष्टकूट मिला लेना ही पर्याप्त तो नहीं होता, बल्कि इन विषयों पर भी चर्चा करें कि वह कन्या जिसके साथ में हम विवाह करने जा रहे हैं वह कैसे स्वभाव की है, सौम्य स्वभाव की है कि नहीं है, गृहस्थ की रूपी जो है नौका सुचारू रूप से चल पाएगी कि नहीं। इन सब विषयों पर जो है तो चर्चा करना भी परम आवश्यक है। इन सबको जो है तो देखना, इन सबका अवलोकन करना भी बहुत आवश्यक है। तो आज मित्रों मैं जो है बस इसी विषय पर कुछ 10 पॉइंटों के ऊपर जो है तो चर्चा करूंगा कि इसका निर्णय हम कैसे करें, इसका निर्धारण कैसे करें कि हमारी जो है भावी होने वाली पत्नी सौम्य स्वभाव की होगी, अच्छे विचारों की होगी। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो है तो लड़की की कुंडली क्या जन्मांग जो है तो आप विचार करें और उसमें देखें कि चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रह की स्थिति हो, चतुर्थेश उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो और शुभ युत हो, शुभ दृष्ट हो, तो ऐसी कन्या सौम्य स्वभाव की होगी, अच्छे गुणों वाली होगी। तथा अगले पॉइंट के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो चतुर्थेश आपका यदि बलवान हो और दो शुभ ग्रहों के मध्य में हो, अर्थात शुभ कर्तृ योग के मध्य में जो है चतुर्थेश बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युत हो, तो ऐसी जो है तो होने वाली हमारी पत्नी भावी स्त्री सौम्य स्वभाव की होगी, सुंदर विचारों की होगी, शालिनी स्वभाव की होगी। और यदि लग्न में जो है गुरु हो, चतुर्थ में शुभग्रह हो, दशम में जो है चतुर्थेश हो, तो स्त्री सौम्य स्वभाव की होगी, मृदुभाषी होगी और उसका बर्ताव जो होगा अपने सुलह जनों के प्रति वह स्नेह से परिपूर्ण होगा, सुंदर स्वभाव वाली होगी। और यदि चंद्रमा जो है सप्तमस्थ हो और सप्तमस्थ चंद्रमा पर जो है गुरु की दृष्टि हो, तो वह कन्या भाग्यवती होगी, लज्जाशील होगी और सरल स्वभाव की होगी, भोली होगी। और यदि लग्नेश चतुर्थेश दोनों बलवान हों और चतुर्थ स्थान पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वह ऐसी पत्नी शालिनी स्वभाव की होगी, शालीन स्वभाव होगा उसका, सौम्य स्वभाव होगा। और यदि बलवान मंगल दशमस्थ हो, दशम में बैठा हो और सुख भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो, तब भी वह पत्नी सौम्य स्वभाव की होगी, शालीन विचारों की होगी और धैर्यशाली होगी, आपत्ति विपत्ति में जो है तो डट करके जो है आपका साथ देने वाली होगी। और लग्नेश चतुर्थेश के
के मध्य में यदि अन्य अन्य योग हो तब भी जो है वह स्त्री निष्कपटी स्वभाव की होगी, उसके हृदय में कोई कपट नहीं होगा, कोई छल नहीं होगा, स्वच्छ हृदय वाली होगी, क्षमाशील होगी, उदार होगी, दयावान होगी। और यदि लग्नस्थ बुध हो और सप्तम में गुरु की स्थिति हो तो ऐसी स्त्री हसमुख विचारों वाली, हसमुख स्वभाव वाली और उदार प्रवृत्ति की होती, सौम्य स्वभाव की होगी। और यदि आपका लग्न का जो नवमांस है वह मिथुन प्रधान राशि का हो, बुध प्रधान राशि का हो, मिथुन हो या कन्या लग्न हो, तो ऐसी स्त्री जो है सौम्य स्वभाव की होगी, सुंदर विचार वाली होगी। और इसके साथ में यदि कदाचित सुखी सुख स्थान पर स्थित हो तो वह स्त्री प्रीवादिनी होगी, हसमुख स्वभाव वाली होगी और सौम्य विचारों वाली होगी। और मित्रों, यदि जो है सुखी दशमेश का अन्योन्य योग हो तब वह स्त्री अभिमान रहित होगी, कितनी भी योग्य हो, कितनी भी धन संपन्न घर की हो, फिर भी उसके अंदर जो है तो अभिमान लेस मात्र भी नहीं होगा, शांत स्वभाव की होगी, सौम्य विचार की होगी। और यदि ऐसी भार्या आपको प्राप्त हो जाए, भार्या छंदा अनुगामनी वेद के अनुसार आचरण करने वाली हो, पुत्र आपके अनुसार जो है आज्ञा का संचरण करने वाले हो, आज्ञा मानने वाले हो, नौकर उत्तर देने वाला ना हो, तो आपको कई अन्य जगह जो है स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वर्ग आपको जो है तो यही प्राप्त होगा। तो आज मित्रों मैं अपनी वाणी को बस यही विश्राम देता हूं, जब कभी पुनः जो है अवसर मिलेगा तो एक नए विषय के साथ में आमने सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबके जीवन में बांके बिहारी की कृपा हो, आनंद हो, मंगल हो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को जो है विश्राम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।